दो अलग अलग सोच है, एक नरेंद्र मोदी जी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको पहले बता दें इसको रोक कर राहुल गांधी क्या बोल रही है, हम आपको बाद में दिखाएंगे। इस बीच राहुल गांधी ने की है इस्तीफे की पेशकश। बड़ी खबर इस वक्त की, क्या कांग्रेस पार्टी को बचाने की परिस्थिति आ गई है? क्योंकि अगर अध्यक्ष ये समझ रहा है कि लगातार दूसरी बार धराशायी होती हुई कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अगर विफल हुई है पिछली बार और इस बार, दोनों ही बार ऐसी परिस्थिति जब विपक्ष का नेता वो नहीं दे पाए, ये सोचिए जिस पार्टी ने इस देश में दशकों तक शासन किया उसका आज क्या हाल हो गया। सोनिया गांधी के सामने पेशकश की है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के सामने पेशकश की है कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। दिलचस्प होगा देखना, हालांकि अध्यक्ष पद के ही रूप में कुछ ही देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन फिर यह खबर बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि सोनिया गांधी के सामने इस्तीफे की पेशकश की है राहुल गांधी ने। एक के बाद एक हार, अमेठी का हाथ से निकल जाना, वही अमेठी जो गढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी का, वही अमेठी जिसमें लगातार जीत होती रही है कांग्रेस पार्टी की। सोनिया गांधी उनको ये पेशकश की है राहुल गांधी ने, जो बताया जा रहा है इस्तीफे की पेशकश। और इस बीच आपको सुना देते हैं पूर्वांचल का प्रभारी जिस प्रियंका वाड्रा को बनाया गया था वो क्या कह रही है, एक बार सुनिए। राहुल जी, प्रियंका जी हार पे क्या बोलेंगे, हार की जिम्मेदारी लेती हैं प्रियंका जी? जनता का निर्णय रहा है, हम उसका पूरा आदर करते हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रियंका वाड्रा जब निकल रही थी अपने भाई राहुल गांधी के साथ, तो उन्होंने कहा है कि जनता का ये मैंडेट है उसका सम्मान करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, प्रधानमंत्री को बधाई इस जीत पर। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही कि राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है सोनिया गांधी के सामने, ये खबर हालांकि सूत्रों के हवाले से आ रही है। क्या वाकई ऐसा कुछ है, उन्होंने तो कम से कम इसका जिक्र नहीं किया, क्या परिस्थिति और नौबत ऐसी आ गई?